अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट हम आज का हमारा लेसन। और आज हम पढ़ने वाले हैं माहौलियात का मुताला। ठीक है, माहौलियात के मुताले में हम पढ़ने वाले हैं आज मोर अबाउट वाटर, यानी पानी से मुताल्लिक चंद मालूमात हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं। तो हमारी मीडियम है उर्दू, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हमारा EVS, माहौल का मुताला, तीसरी जमात, सबक नंबर 10, पानी से मुतालिक चंद मालूमात। और मैं हूँ आपका टीचर शम्स तबरेज। चलिए बढ़ते हैं हम सबक की तरफ। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तैयार है आप लोग? ओके। पानी तो हम लोग पीते ही है, बराबर। ऐसा कोई भी नहीं है जो पानी नहीं पीता है। तो बच्चों, मेरा पहला सवाल ये है कि पानी का रंग क्या है, पता है आप लोगों को? ओके। उसके बाद दूसरा सवाल है, पानी की खुशबू कैसी है, पानी की बू कैसी है, मालूम है आप लोगों को? ओके। तीसरा सवाल ये है मेरा कि पानी की शक्ल क्या है, कोई बता सकता है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज हम इस सबक में यही मालूमात हासिल करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात हम इस सबक में मालूम करने वाले हैं। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल ये है मेरा, मुझे ये बताइए कि इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर, कौन सा सबक पढ़े थे, या आपने कौन सा वीडियो देखे थे हमारा वर्चुअल क्लास का, EVS का, माहौल का मुताले का, कौन सा सबक हमने पढ़े थे, आप लोग बता सकते हैं? तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे वो था हमारी पानी की ज़रूरत, बराबर ना। आप लोगों ने तो देखी ही होगी, अगर आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो हमारी पानी की ज़रूरत वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं इसी चैनल पर, ठीक है। वो वीडियो देखने के बाद आपको ये वाला वीडियो देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे सबक की तरफ। ओके, तैयार है आप लोग? तो चलिए सबसे पहले आइए ये करके देखें, आओ ये कर देखें। अभी हम लोग स्कूल में तो नहीं है, बराबर ना, आप आपके घर पर है, तो जो भी यहाँ पर तजुर्बा हम लोग करने वाले हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, आपको अकेले करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर जो भी तजुर्बा करने वाले हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं,
या जो भी एक्टिविटी करने वाले हैं वो आपको पेरेंट्स के सामने ही करना है, अकेले करने की कोशिश ना करें, ओके, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो चलिए, कांच का एक गिलास में साफ पानी लो। क्या करना है आपको, कांच के गिलास में साफ पानी लेना है। उसका रंग देखो, पानी का रंग कैसा है। इस तरह से कांच का एक गिलास आपको लेना है, उसके अंदर पानी डालना है और उसका रंग देखना है आपको कि पानी का रंग कैसा है। आप लोग बोलेंगे कि पानी का रंग ब्लू है। जी नहीं, पानी का रंग ब्लू नहीं होता है, ओके। तो ये कर लिया आप लोगों ने, पानी का रंग कैसा है आपको देखना है। पानी का एक गिलास लेना है, कांच का गिलास लेना है, ओके, कांच का गिलास लेना है, उसमें पानी डालना है और फिर उसका रंग आपको देखना है। रंग मतलब कलर, कलर आपको देखना है कि पानी का कलर कैसा है। इसके बाद किसी खुशबूदार फूल को सूंघो। क्या करना है आपको, कोई भी एक खुशबूदार फूल लीजिए, है ना, मार्केट में बहुत सारे फूल मिलते हैं, जाकर आप उसकी खुशबू सूंघ सकते हैं, है ना। गजरे होते हैं आपके घर में, उसकी भी खुशबू आप सूंघ सकते हैं। खुशबू को आपको सूंघना है, कैसी खुशबू आई, आई ना खुशबू। जैसे आपने गुलाब का फूल सूंघा तो उसमें से खुशबू आई है, मोगरे का फूल सूंघा तो उसमें से खुशबू आई है, गजरे जो हमारे घर में पहनते हैं औरतें, अगर उसकी खुशबू आप सूंघे तो उसकी भी खुशबू आती है। घर में हम अतर लगाते हैं तो उसकी खुशबू आती है, बराबर ना, तो उसकी एक खुशबू आती है। अब मुझे ये बताओ, पानी की खुशबू, अब पानी को सूंघो, क्या करना है आपको, पानी को सूंघना है। पानी में जो साफ पानी है, हाँ, जो खराब पानी नहीं हुआ है, जो साफ पानी है, घर में हम पानी पीने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ओके। जो पानी खराब हो जाता है उसमें से बदबू आती है, वो अलग बात है, लेकिन हमारे घर में जो हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी खुशबू आपको सूंघना है। तो उसकी खुशबू आएगी कि आपको, हाँ नहीं आएगी खुशबू, पानी से बू आई नहीं आई, बताइए मुझे। आपको ये करना है, आपके घर में पानी की खुशबू आपको सूंघना है, पानी में क्या खुशबू आई है, ओके। पानी में खुशबू है क्या, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि पानी की कोई खुशबू है, नहीं, पानी की कोई भी बू नहीं है, ना अच्छी है ना बुरी, ना बदबू आती है और ना ही खुशबू आती है, ओके। अभी आगे बढ़ते हम, किसी पके हुए फल, आम चीकू अमरूद का मजा चखो। क्या करना है आपको, हाँ आम, आम तो सबको पसंद होते हैं, है ना, कोई है ऐसा बच्चा जिसको आम पसंद ना हो, है ना। आम का जब सीजन होता है तो हम भर भर के आम खाते हैं, बराबर ना। तो आम का मजा होता है, चीकू का मजा होता है, अमरूद का मजा होता है, सब पके हुए आमों का क्या होता है, सब पके हुए फलों का मजा होता ही है। अब फलों का मजा कैसा होता है, हाँ हर फल का मजा अलग होता है, बराबर ना। आप बोलेंगे अमरूद का मजा आम में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। एप्पल का मजा चीकू में आ जाए, ऐसा होता है क्या, नहीं। हर फल का अलग मजा होता है, लेकिन उसके अंदर मजा होता है। आप खाना खाते हैं, खाना भी आपको टेस्टी लगता है, बराबर, उसके अंदर भी मजा होता है। हमारे जो जबान है ना, वो महसूस करती है कि इस फल में, इस खाने में क्या मजा है, ओके। अब पानी का मजा चखो, पानी का मजा कैसा है। आपको क्या करना है, पानी पीना है और बताना है कि पानी का मजा कैसा है, ओके। मीठा है, तीखा है, कड़वा है, कैसा है आपको बताना है। तो आप ये बता नहीं सकते, क्यों, क्योंकि पानी में मजा नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई मजा नहीं होता है, ओके। तो इससे क्या जाहिर होता है, इससे ये जाहिर होता है कि साफ पानी में रंग
बू और मजा नहीं होता है। ओके, क्या समझे आप? साफ पानी जो होता है उसमें कोई कलर नहीं होता है, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है और ना किसी तरह का कोई टेस्ट होता है। तो कलर नहीं होता, स्मेल नहीं होती और मजा यानी कि टेस्ट नहीं होता है, रंग भी नहीं होता है, बू भी नहीं होती है और मजा भी नहीं होता है। पानी की हमें जरूरत होती है, पानी हम पीते हैं, ये बात अलग है, लेकिन उसमें रंग बू और मजा नहीं होता है। पानी तो एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ना? पानी पर ही हमारी दुनिया चल रही है। पानी अगर नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, ये बात अलग है, लेकिन पानी में रंग बू और मजा नहीं होता है। इतना समझ गए आप लोगों को? हाँ, आप लोग आम खाते हैं, आम का मजा आता है, लेकिन पानी पीते हैं तो पानी का मजा नहीं आता है। आप फूल सूंघते हैं, फूल की खुशबू आती है, बराबर ना? घर में खाना अच्छा बन गया तो उसकी भी खुशबू आती है, बिरयानी बन के आई है घर में, उसकी खुशबू हमें आती है ना? फिर हम खाते हैं, उसका टेस्ट हमें महसूस होता है। तो इसी तरह पानी का कोई कलर, कोई स्मेल, कोई टेस्ट नहीं होता है, बाकी चीजों का होता है, लेकिन पानी का रंग बू और मजा नहीं होता है। क्लियर? समझ में आया आपके? ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। नया लफ्ज सीखो, शफाफ शय। जिस शय में से देखने पर दूसरे जानिब की चीजें नजर आती है, उस शय को शफाफ शय कहते हैं। शफाफ शय किसे कहते हैं? जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीजें नजर आती है, उस शय को शफाफ शय कहते हैं। यह है नया लफ्ज, इसका इस्तेमाल आगे होने वाला है। ओके, दूसरा नया लफ्ज है गैर शफाफ शय। जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीजें नजर नहीं आती, उस शय को गैर शिफाफ शय कहते हैं। जैसे हम चश्मा लगाते हैं, बराबर? चश्मा लगाकर हम देखते हैं तो चश्मे में से हमको सामने की चीजें सब नजर आती है, बराबर? अगर वहीं हमने लकड़ी की कोई चीज हमारे आंखों के सामने रख दी तो हमको क्या नजर आएगा? कुछ नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। अगर हमने आंखों पर हमारा हाथ रख लिए तो हमें कुछ नजर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो शफाफ नहीं है, बराबर ना? लेकिन जब हम हमारे चश्मे में से देख रहे हैं तो चश्मा क्या है, जो कांच है वो क्या है, शफाफ है, उसमें से हमें सामने की चीजें नजर आती है। तो यहां पर नए अल्फाज दो हमने आज सीखे, शफाफ शय और गैर शफाफ शय। शफाफ शय जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीजें नजर आती है, उस शय को शफाफ शय कहते हैं। गैर शफाफ शय जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीजें नजर नहीं आती, उस शय को गैर शफाफ शय कहते हैं। ओके, समझ में आ गया शफाफ और गैर शफाफ। क्लियर? ये लफ्ज आगे इस्तेमाल होने वाले हैं, इसलिए आपको इसका मतलब समझना जरूरी है। शफाफ और गैर शफाफ, शफाफ जिसमें से दिख सकता है, गैर शफाफ जिसमें से दूसरी जानिब का दिख नहीं सकता। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आओ ये करके देखें। फिर से आपको यहां पर तजुर्बा करना है। तजुर्बा किसकी निगरानी में करना है आपको? आपके वालिदैन के, अम्मी अब्बा के, बड़े भाई बहनों की निगरानी में तजुर्बे करने हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि जितने भी तजुर्बे हम करेंगे वो आपको आपके पेरेंट्स या भाई बहनों के साथ मिलकर ही करने
करना है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं, समझ लेते हैं क्या करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, ये तजुर्बा बड़ों की निगरानी में आपको करना है, बड़े लोगों की निगरानी में। एक स्टूल पर एक मोमबत्ती जलाकर रखो। जला लिए, वेरी गुड। उसे एक मुकौवे के टुकड़े में से देखो। मुकौवा मतलब क्या होता है? मुकौवा मतलब जो हमारा कॉपी होती है ना, जो हमारी कॉपी होती है उसके पीछे जो पुट्ठा लगा हुआ रहता है मोटा, है ना, या फिर हम बेंडिंग करते हैं हमारी किताब को, तो बेंडिंग पर जो कवर लगता है मोटा वाला जो कवर रहता है जिसे पुट्ठा कहते हैं उसको मुकौवा कहते हैं। आपके घर में तो ये होता ही है ना, कार्टून, बड़े बड़े कार्टून रहते हैं ना, उसका जो पुट्ठा रहता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। या तो फिर आप प्लाईवुड का छोटा टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो उसे एक मुकौवे के टुकड़े में से देखो। क्या करना है आपको? सबसे पहले एक स्टूल पर मोमबत्ती जलाना है और फिर एक मुकौवा सामने रखकर उसमें से देखना है कि आपको मोमबत्ती दिखाई देती है या नहीं। ठीक है, दिखाई देगी क्या वहां पर? हाँ, नहीं दिखाई देंगी। अब उसी मोमबत्ती को कांच के टुकड़े में से देखो। काय में से देखना है आपको? हाँ, कहां से देखना है आपको? कांच के टुकड़े में से देखना है। तो क्या करेंगे आप, क्या दिखेगा आपको? तुम्हें क्या मालूम होगा? मुकौवे से मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती, लेकिन कांच के टुकड़े से मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है, है ना। जो स्टार्ट में हमने पुट्ठा यूज किया उसमें से मोमबत्ती दिखाई दे रही थी क्या? मोमबत्ती की लौ दिखाई दे रही थी क्या? नहीं। लेकिन जब हमने कांच के टुकड़े से देखे मोमबत्ती की लौ, तो वो हमें दिखाई दी। बराबर, इससे क्या जाहिर होता है बताइए? हाँ, इससे जाहिर होता है कि मुकौवा गैर शफाफ और कांच शफाफ है। यानी मुकौवे से उसके दूसरे जानिब की चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन कांच में से दूसरे जानिब की चीजें दिखाई देती है। इसलिए मुकौवा गैर शफाफ है और कांच शिफाफ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, शिफाफ और गैर शिफाफ का मतलब समझ में आ रहा है आपके? हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कांच के गिलास में भरे हुए पानी में से मोमबत्ती देखो। अब क्या करना है? कांच के गिलास में भरे हुए पानी में से आपको मोमबत्ती देखना है। ऐसा गिलास लेना है कांच का जिसमें पानी भरा हुआ है, और उसमें से आपको क्या करना है? मोमबत्ती को देखना है। तो क्या होगा, क्या मालूम होगा आपको? पानी में से मोमबत्ती नजर आती है आपको। पानी में से मोमबत्ती साफ दिखाई देगी। क्यों ऐसा हुआ, इससे क्या जाहिर हुआ? इससे ये जाहिर होता है कि पानी भी शिफाफ है, पानी से हम आर पार का देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों हमें यहाँ पे मालूम हुआ कि पानी भी क्या होता है? शिफाफ होता है, उससे भी हम दूसरी जानिब का देख सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों बताइए, अभी तक हमने पानी के मुतालिक क्या मालूमात हासिल करी? तो सबसे पहले हमने मालूम किया कि पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी में कोई बू नहीं होती, और पानी का कोई मजा नहीं होता। और उसके बाद हमने देखे पानी शिफाफ होता है। कितनी चीजें देख ली अभी तक हमने? चार चीजें। कलर नहीं होता है, बू नहीं होती है, मजा नहीं होता है, और पानी शिफाफ होता है, उससे हम दूसरे जानिब का देख सकते हैं। पानी
से अगर हमें दूसरे साइड का देखना है, एक साइड पानी है और दूसरे साइड कोई चीज रखी है, जैसे मोमबत्ती का हमने तजुर्बा करे, तो हम पानी से दूसरे साइड का देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पानी शिफाफ होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। शिफाफ पानी, शिफाफ पानी में रंग नहीं होता, उसके बाद है बू नहीं होती, मजा नहीं होता, और पानी कैसा होता है? शिफाफ होता है। तो ये चार चीजें हमने यहां पर देख लिए। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों के? हाँ, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। आओ ये करके देखिए। चलिए, एक बर्तन में ज्वार या गेहूं का थोड़ा सा आटा लो, दूसरे बर्तन में थोड़ा पानी लो, दो तश्तरिया और दो कांच के छोटे ग्लास लो। ओके, क्या क्या लेना है आपको? ज्वार या गेहूं का थोड़ा सा आटा लेना है, दूसरे बर्तन में थोड़ा पानी लो। अब यहां पे क्या लेना है आपको? दो तश्तरिया और दो कांच के छोटे गिलास आपको लेना है। ओके, किसके निगरानी में करना है आपको ये? हाँ, अपने पेरेंट्स के। ओके, एक तश्तरी में थोड़ा आटा डालो। ओके, क्या करना है आपको? तश्तरी में आटा डालना है, दूसरी तश्तरी में थोड़ा पानी डालो। क्या डालना है आपको यहां पर? पानी डालना है। अब एक गिलास में थोड़ा आटा डालो, देखिए यहां पर आटा दिख रहा है आपको, और दूसरे गिलास में थोड़ा पानी डालो। समझ में आ गया आपको क्या करना है? हाँ, एक बर्तन लेना है जिसमें गेहूं का आटा हो, दूसरा बर्तन लो जिसमें पानी हो। पहले पानी और आटा ले लेना है। ओके, उसके बाद दो तश्तरिया और दो कांच के गिलास लेना है, छोटे वाले। ओके, एक तश्तरी में थोड़ा आटा डालो, दूसरी तश्तरी में थोड़ा पानी डालो। अब एक गिलास में थोड़ा आटा डालो और दूसरे गिलास में थोड़ा पानी डालो। ओके, इतना करना है आपको। देखते हैं आगे। तुम्हें क्या मालूम होगा? यहां पर हमने क्या डाल दिए? आटा डाले, यहां पर थोड़ा पानी डाले, यहाँ पर थोड़ा आटा डाले और यहाँ पर थोड़ा पानी डाले। ओके, तो तुम्हें क्या मालूम हुआ? क्या दिख रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, तश्तरी और गिलास के पेंदे में आटा नजर आता है, लेकिन पानी तश्तरी और गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। देखिए यहाँ पर क्या है? आटा दिख रहा है आपको और यहां पर पानी, जिस तरह गिलास है उस तरह दिख रहा है ना? और यहां पर आटा आपको दिख रहा है कि ये आटा है बराबर, लेकिन पानी ने तश्तरी की शक्ल ले लिया है बराबर ना? जिस तरह तश्तरी है, जिस तरह हमारी प्लेट है, उस तरह पानी ने शक्ल ले लिया है। इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है कि पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती। तुम पानी को जिस बर्तन में डालोगे, पानी उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों के? पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती। तुम पानी को जिस बर्तन में डालोगे, पानी उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा, है ना? अभी आप घर में एक बर्तन लो और उसमें सब्जियां डालो। ओके, तो क्या होगी? सब्जियां, सब्जियां कैसी दिखेंगी आपको? सब्जियां अपने ही शक्ल में रहेगी, वो आपके बर्तन की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी बराबर ना? लेकिन अब उसी बर्तन में आप सब्जियां निकालकर पानी डालिए बराबर ना, तो पानी किसकी शक्ल ले लेगा? वेरी गुड, बर्तन की शक्ल ले लेगा, है ना? आप नहाने के लिए पानी लेते हैं बकेट में, तो पानी किसकी शक्ल ले लेता है? बकेट की शक्ल ले लेता है ना? पीने की बोतल में हम पानी भरते हैं, तो पानी बोतल की शक्ल ले लेता है।
बराबर ना, कि पानी अपनी, पानी की कोई अपनी शक्ल है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सब्जी, सब्जी की शक्ल होती है, सब्जी को अगर बर्तन में डाले तो अपनी ही शक्ल में रहेंगी, वो बर्तन की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी, बराबर ना। ओके, तो इससे क्या जाहिर होता है कि पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती, जिसमें भी डालेंगे वो उस तरह बन जाएगा। तो इसीलिए हमें हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पानी की तरह बनो। क्यों कहते हैं ऐसा हमें बड़े बुजुर्ग के, पानी की तरह बनो? हाँ, पानी में जो कलर मिलाएंगे पानी उस कलर का हो जाएगा, पानी को जिस बर्तन में डालेंगे पानी उस बर्तन का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो हर जगह एडजस्ट हो सकता है, इसलिए कहा जाता है कि पानी की तरह बनो, सरल। तो समझ में आया आपको, पानी की अपनी शक्ल नहीं होती, इसलिए फर्श पर गिरने पर पानी फैल जाता है। क्या होता है? फर्श पर गिरने पर पानी फैल जाता है ना? आप क्या से पेंसिल गिर गई फर्श पर, तो पेंसिल फैल जाएंगी क्या? नहीं, बल्कि जा एक जगह गिर कर वो दूसरी जगह चली जाएगी लुढ़क कर। लेकिन पानी कैसा होता है? फैल जाता है ना? पानी से हम नहाते हैं तो पानी हम हमारे जिस्म पर डालते हैं, हमारे बॉडी पे डालते हैं, तो फिर वो ऊपर से लेकर नीचे तक बहता है ना? क्यों? क्योंकि पानी की शक्ल नहीं है, जिसमें मिलाया हो उसमें मिल जाता है, उस जैसा बन जाता है। गिलास में डालेंगे तो गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेगा, बोतल में डालेंगे तो बोतल की शक्ल इख्तियार कर लेगा, टब में डालेंगे तो टब की शक्ल इख्तियार कर लेगा, बाकेट में डालेंगे तो बाकेट की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और नीचे डालेंगे तो फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कोई शक्ल नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया आपके? ओके, बढ़ते हैं आगे। आओ दिमाग पर जोर दे। क्या करना है आपको? दिमाग पर जोर देना है। सवाल का जवाब आपको हमें बताना है। तालाब का पानी साफ हो तभी उसकी तह नजर आती है, ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है, पूछना है अपने पेरेंट्स से, बड़े भाई बहनों से, और आपकी जब ऑनलाइन क्लास होंगी जूम पर, या फिर आप व्हाट्सएप करके अपने टीचर को बता सकते हैं कि तालाब का पानी साफ हो तभी उसकी तय नजर आती है, ऐसा क्यों होता है? ओके, चलो दूसरा सवाल क्या है? ढलवान रास्ते से पानी से भरी बाल्टी ले जाते वक्त बाल्टी गिर गई, पानी फैल गया, क्या फैले हुए पानी का ढेर बन गया या वो बह जाएगा? क्या उसका ढेर बनेगा या वो बह जाएगा? है ना, बहुत ही आसान सवाल है। इसका जवाब तो आप दे ही सकते हैं कि पानी बहेगा या उसका ढेर बन जाएगा, है ना? आपके हाथ से आपका बैग गिर गया तो वो एक ही जगह पे रहेगा, है ना? लेकिन आपके हाथ से पानी की बोतल गिर गई और वो खुल गई, तो उसमें का पानी क्या होगा? गिर के बहेगा या एक ही जगह पर रहेगा? आपको इसका सवाल का जवाब ढूंढना है और आपके टीचर को बताना है। ओके, तो बच्चों आज हमने क्या क्या देखे बताइए। सबसे पहले हमने देखे कि पानी का कोई रंग कलर नहीं होता है, उसके बाद हमने देखे कि पानी की बू नहीं होती है, पानी में किसी तरह की कोई बू नहीं होती है, साफ पानी की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, उसके बाद हमने देखे कि पानी का कोई मजा नहीं होता है, और उसके बाद हमने देखे कि पानी शिफाफ होता है, पानी से हम आर पार देख सकते हैं। तो आज अभी इस सबक में हमने पानी से मुतालिक चंद मालूमात हासिल करे, आज के लेसन में यही था। इसका दूसरा पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, आप इस चैनल पर बने रहे, इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो आपको मैंने होमवर्क दिया हूँ वो होमवर्क बराबर कीजिए और आपके टीचर को सेंड कीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।